दुर्लभ है ये, बहुत मुश्किल से किसी को बहुत पुण्यों से ऐसी श्रद्धा प्राप्त होती है जिसके अंदर हम प्रभु को देख सकते हैं। मैं थोड़ी और स्थूल बात कहूँ, संत कब दिखाई देते हैं, जब श्रद्धा होती है, अन्यथा ढोंगे पखंडी रोटी का ढंग बना रखा है और क्या है ये दिखाई देता है। और श्रद्धा होती है तब संत का दर्शन होता है, तब कितना उसके प्रति भाव होता है। तो बंधुओं, ये श्रद्धा बड़ी दुर्लभ है। ये श्रद्धा जिसके जीवन में आ जाती है उसका उद्धार होता है। मैं चर्चा कर रहा था धम्म श्रद्धायण जीवे साया सोखे सूरज माणे विरज जय, वह संसारी सुखों से विरक्त हो जाता है। विरक्ति क्यों आती है, कैसे आती है, संसार के सुख वह क्यों छोड़ता है, इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य है, वो रहस्य है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं। व्यक्ति का मनोविज्ञान है, जब आदमी को जो उसके पास में है उससे अगर अच्छा मिल जाए तो वो पहली चीज छूट जाती, ये बात समझ पाए आप। व्यक्ति के पास जो है अगर उससे अच्छा उसे प्राप्त हो जाए तो वो जो पहली चीज के पास में थी वो चीज छूट जाती। मनोवैज्ञानिक तथ्य, आप भी इस बात को सो, कुछ भी हो, चाहे आप खाने पीने की चीज ले लें, चाहे ओढ़ने पहनने की चीज ले लें, चाहे आप कोई और चीज़ ले लें। एक आदमी के पास गाड़ी है, अगर बढ़िया वाली गाड़ी घर में आ गई, आदमी का मन नहीं करेगा पहली वाली में बैठने को, मन करेगा ये जो नई गाड़ी आई है इसमें बैठेंगे, क्यों जी, है ना ऐसा। जब मनोविज्ञान है ये, जब व्यक्ति को बढ़िया मिल जाता है तो घटिया बिना कहे अपने आप छूट जाता। जब व्यक्ति को अंतर आनंद प्राप्त हो गया तो संसार के सारे आनंद उसके लिए फीके हो जाते। बंधुओं, एक कवि हुए, उन्होंने बड़ी अच्छी और अद्भुत बात कही, बिहारी उनका नाम था। उन्होंने कहा जब किसी व्यक्ति को प्रभु का नाम मिल जाता है तो उसके लिए, उन्होंने जो कहा वो समझना, उनके लिए गुड़ फीका हो जाता है। मतलब गुड़ फीका और भगवान का नाम, इसका क्या संबंध हुआ? उनका कहना है कि भगवान का नाम ज़्यादा मधुर है, ज़्यादा आनंददायक है, उसके सामने संसार के भोग फीके हैं, इसलिए वे उसे छोड़कर उसमें लग जाता है। एक बड़ा सहज सा प्रश्न है, तीर्थंकरों ने, भगवंतों ने और महापुरुषों ने, संसार का जिन्हें अपार वैभव प्राप्त था, राज्य प्राप्त था, सुख प्राप्त थे, उस सब को छोड़कर और वे वनों में चले गए। वहाँ तो वो सुख नहीं थे, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, क्यों चले गए वहाँ, क्या बात हुई? ऐसा तो हम नहीं सोच सकते कि भी वो समझते नहीं हो, वो सुख वहाँ थे और वो उस रास्ते पर चले गए जिसको लोग दुखों का रास्ता कहते हैं, वो कैसे और क्यों चले गए? उनको वहाँ आत्म सुख प्राप्त हुआ और उसके सामने ये जो संसार के सुख थे ये फीके हो गए। और कैसे फीके हो गए? जब आदमी को ज़्यादा मीठा खाने को मिल जाए तो
तो फिर पहली चीज फीकी हो जाती है आपके जीवन की प्रैक्टिकल बात। सुबह का समय, नाश्ते का समय, व्यक्ति अपने घर में कुर्सी पर बैठा, खाने वाले टेबल के ऊपर है, इंतजार है नाश्ता आ जाए और फिर मैं करके चलूं जल्दी से। बंधु वो धर्म पत्नी वो बनाने लग रही थी, व्यक्ति से इंतजार कहाँ होती है। उसने कहा नाश्ता चाय नहीं बनी, बोली ला रही हूँ मैं, चाय बनने में थोड़ा सा समय था। उसने कहा चलो, प्लेट में उसने कुछ मीठा लगाया, बर्फी लड्डू कोई चीज लगाए और ला करके उनके सामने रख दी और फिर चाय बनाने चली गई। व्यक्ति ने उसे खाना शुरू कर दिया, खा लिया, चाय उधर तैयार हो गई, चाय लेकर के आ गई। व्यक्ति ने चाय की प्याली पकड़ी और सिप की और सिप करते बोला चीनी नहीं डाली। भाइयों होता ना ऐसा, वो बोला चिल्ला चीनी नहीं डाली, बोली डाली है, कहाँ डाली है आप बताएं। आप समझ गए होंगे क्या बात हुई, उसने चीनी तो डाली उस, क्योंकि ज्यादा मीठा जब खा लिया तो उसमें जो मीठा था फीका हो गया, वो थोड़ा है वो ज्यादा है। जब आदमी को ज्यादा प्राप्त हो जाता है तब उसके लिए जो कम है और पहले वाला है वो फीका हो जाता है, उसका मन वहाँ से हट जाता है। जो प्रभु ने कहा जीवन में धर्म श्रद्धा आ गई, साया सोखे सूरज जमाणे विरज जई, इन सब से निवृत्ति हो जाती है। उसकी फिर आदमी जरूरत नहीं समझता, क्योंकि उससे ज्यादा अच्छा और महंगा और बढ़िया मिल गया, इसलिए जरूरत न रही। छोटी सी कहानी, एक व्यक्ति था, गरीब आदमी था, गुजारा मुश्किल से होता था। अब चाहे गरीब हो अमीर हो, सपने सबके होते हैं, अमीरों के सपने और ज़्यादा अमीर होने के होते हैं और गरीब के भी सपने होते हैं। वो भी सोचता मुझे ये मिल जाए, ऐसा प्राप्त हो जाए, वो भी सोचता है। वो गरीब भी सोचा करता अपने बारे में, मुझे ये मिल जाए, हमारा घर अच्छा सा हो जाए, हमें और सब चीज़ें मिल जाएं, वो भी सोचा करता। एक बार ऐसा हुआ, वो गरीब आदमी सोया था और सोते में नींद में उसने एक सपना देखा। सपना क्या देखा उसने, जैसे वो चला हुआ जा रहा है, अपने गांव से वो निकला है और चला जा रहा है। कभी लंबा जाने का काम नहीं पड़ा था, पर सपने वो क्या देखता, वो खूब चला जा रहा, दूर निकल गया, बहुत दूर निकल गया। आगे जाके उसने देखा उस रास्ते में से दो रास्ते बन गए, वो इधर वाले रास्ते चल पड़ा, चलता रहा, आगे जंगल आ गया। उसने जंगल देखा, उसको भी उसने पार कर लिया, फिर भी वो चलता रहा, आगे पहाड़ आ गया। उसने कहा सपने में चलो इसे देखते हैं, और वो पहाड़ पर जो रास्ता था उस पर चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ता रहा चढ़ता रहा, बहुत ऊँचे चला गया। आगे जा कर के उसने देखा एक शिला थी, उस शिला के ऊपर एक महात्मा बैठा। महात्मा को देखा, स्वप्न ही चल रहा था, उसने स्वप्न में हाथ जोड़ दिए, हाथ जोड़े, महात्मा ने आशीर्वाद दिया और महात्मा उससे बोले धन की जरूरत है। भाइयों कई लोग सोचेंगे ऐसा सपना तो हमारे को भी दिलवाओ, जो साधु यूं पूछ ले भी क्या चाहिए और धन की जरूरत है। उसने हाँ भर दी, बोले हाँ जी धन की जरूरत है। साधु बोले वो देखो सामने थोड़ा सा जाओ, वहां एक हीरा पड़ा हुआ है, तुम उसे ले लो, उसकी कीमत लाखों की है, और तुम ले जाओ, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी
और जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा, जाओ ले जाओ। उसे विश्वास सा नहीं आया, फिर भी वो गया, देखा सचमुच में कुछ कदम आगे एक बहुत चमकता हुआ सुंदर हीरा पड़ा था। उसने उसे उठा लिया और उठाकर इतनी बड़ी संपदा मिल गई, साधु के पास वो आया। साधु बोला, मिल गया भाई? बोले, हाँ जी, बस यहां तक स्वप्न दिखाई दिया और फिर आंख खुल गई। ओ हो, बता, सचमुच में मिल जाता कितना अच्छा होता। सपने में मिला, अगर सचमुच का मिल जाता कितना अच्छा होता। उसके मन में एक विचार आया, क्या पता ये स्वप्न सत्य हो। वो जो रास्ता मैंने सपने में देखा था और जिस पर मैं गया था वो देखना चाहिए। सुबह उठ करके जो भी उसने प्रबंध करना था अपना किया और वो उस रास्ते की तलाश में चला, देखे वो रास्ता है कहाँ। वो गांव से चल पड़ा, पैदल था, चलता रहा, उसे पहचान आने लगा, बिल्कुल यही रास्ता था, ऐसी पेड़ थी उसमें, ऐसे रास्ता था। वो चलता रहा चलता रहा, आगे रास्ते के दो भाग हो गए, उसी तरह वो दाहिने वाले पर चल पड़ा, फिर चलता रहा, आगे जंगल आ गया। उसने पहचाना, ये तो वही जंगल है। उसके तो धड़कन तेज हो गई, काश वही पहाड़ आ जाए और वो महात्मा मिल जाए और वो हीरा दे दे, कितना अच्छा। जंगल उसने पार किया, आगे पहाड़ आ गया, उसने पहचाना, ये तो वही पहाड़ है। वो बहुत खुश हो रहा था, शायद मेरा सपना सत्य हो जाए। उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया और अंत में वहाँ पहुँच गया जो उसने स्वप्न में देखा था। साधु शिला के ऊपर बैठे हुए बड़े प्रसन्न थे, अब तो वो सचमुच की बात थे। उसने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ते साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, धन की तलाश में आए हो? बोला, हाँ जी, कोई बात नहीं, जाओ सामने चले जाओ और वहाँ हीरा पड़ा हुआ वो तुम ले लो। वो बड़ा हैरान था कि सपने की सारी बात बिल्कुल सत्य होती जा रही है। वो गया, उसने देखा हीरा था, उसने उठा लिया, साधु के सामने आया, स्वप्न पूरा हो गया, जो उसने सोचा था वो बात पूरी हो गई। हीरा उसके पास में था, साधु ने बताया इसकी लाखों की कीमत है। उस आदमी के मन में अब नया विचार आया कि ये हीरा है, लाखों की कीमत का है और वहाँ पड़ा हुआ था और साधु को पता था कि हीरा पड़ा लाखों की कीमत का, इस साधु ने क्यों नहीं उठा लिया। प्रश्न तो बना भाइयों कि भी जब इतनी कीमती चीज है इसने क्यों नहीं उठाया साधु ने, और ये बात उसने पूछी दी। बोले, महाराज ये इतना कीमती है आप बता रहे हो और ये वहाँ पड़ा हुआ था ऐसे ही, और आपको मालूम है, आपने इसे क्यों नहीं उठा लिया। साधु मुस्कराए, बोले, भाई ये मैंने फेंका था, ये मैंने फेंका, आपने फेंका था, जब ये इतना मूल्यवान है आपने इसे क्यों फेंका। साधु बोले, मुझे इससे ज्यादा कीमती हीरा मिल गया, इससे ज्यादा तो मैंने कहा बेकार है, क्या करना, ये लाखों का है जो मुझे मिला, उसकी कीमत करोड़ों के अरबों का उसकी कीमत ही नहीं है, ऐसा मुझे मिल गया हीरा, मैं क्या करता इसका, खाम खाई में बोझ उठा कर मैंने फेंक दिया इसको। वो आदमी सोचने लगा, हैरान भी हो गया, बोले, अच्छा इतना भी कीमती होता है, जिसकी कीमत करोड़ों और वो इतना करें, कीमत ही नहीं की जा सकती। वो बोला, महाराज वो जो आपको हीरा मिला क्या आप दिखा सकते हो, आपको कैसा हीरा मिला। साधु बोले, दिखा क्या सकता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं दे भी दूंगा। पश्चिम बिहार वालों, साधु बढ़िया दयालु था, कमाल हो गए, बताओ, यूँ बोला, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें दे भी दूंगा। बोला, जी बड़ी कृपा होगी आपकी, बहुत कृपा होगी, वो वाला हीरा दे दो जो आप बता रहे हो, जो आपके पास में है, जो बहुत ही मूल्यवान है, वो वाला हीरा आप मुझे दे दो। बोले, देख भाई बात ऐसी है, वो मैं दे दूंगा, कोई
इस बात में मुझे एतराज नहीं है, तुम लेने वाले बनो। बोले हाँ जी मैं तैयार हूँ लेने के लिए। बोले इसको डाल दो। बोले ऐसा तो ना हो मैं इसके भी खोद और वो भी ना मिले। बोले नहीं ये तो तेरी श्रद्धा होगी, मेरे में कितनी है और मेरी बात में कितनी है ये तो तेरी श्रद्धा की बात है। उसने सोचा जब साधु ने इतनी बात बताई है झूठ तो क्या बोलेंगे, चलो। बोले हाँ जी लो जी ये मैंने डाल दिया, बताओ। बोले देखो बहुत हीरे हैं दुनिया में, मेरा जो हीरा है जो बहुत मूल्यवान है उसका, उस हीरे का नाम है राम नाम। क्या नाम बताया? क्या कहा भाइयों? ये हीरा है मेरे पास है। बस इस हीरे की बात यह है कीमत लगाओ तो इसके बराबर दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसको, जिसके साथ इसकी तुलना की जा सके और कोई कीमत दे सके, इतना ये कीमत ही है। भगवान के नाम का, परमात्मा के नाम का जो ये हीरा है, और इसकी बात ऐसी है जो इसे ले लेता है ना वो सब कुछ छोड़ देता है, फिर उसको कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि इतना मूल्यवान है। मैं भी इसकी बड़ी सुरक्षा किया करता जो मैंने फेंका है, जैसे मुझे भगवान के नाम का, परमात्मा के नाम का मुझे ये जो हीरा है ये मिला, मेरे लिए बेकार हो गया, मैंने इसे फेंक दिया। बंधुओं, उस आदमी ने सौदा किया या नहीं किया ये तो कहानी में कुछ नहीं बताया। बात यह है इन सब चीज़ों से महावीर की वाणी में बताने लग रहा था आपको, साया सोखे सुरज्यमाने विरज्यई, उसके लिए दुनिया के सुख आनंद जितने भी चीज़ें हैं इन सब से विरक्ति हो जाती है जिसके जीवन में, जिसके अंतर में श्रद्धा आ जाती है। श्रद्धा भगवान के प्रति, श्रद्धा धर्म के प्रति, श्रद्धा आत्मा के प्रति, जिसके जीवन में ये श्रद्धा आ गई उसके लिए ये सारी चीज़ें फीकी और व्यर्थ हो जाती हैं। वो है ही इतना मधुर जैसे मीठा खाने के बाद चाय फीकी हो गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।